सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का एक छोटा सा चैप्टर करेंगे, चैप्टर 2, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस चैप्टर को अनीस जंग ऑथर ने लिखा है, बहुत ही कमाल के ऑथर हैं और ये चैप्टर भी बहुत ही कमाल का है। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे साहिब के बारे में, जो कि एक रैक पिकर है, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मुकेश के बारे में, जो कि एक बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो खुद एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 1 करेंगे। तो जो चैप्टर है, ये पार्ट 1 है, इसके अंदर मुकेश के बारे में, साहिब के बारे में बताया गया है, साहिब आलम के बारे में बताया गया है, जो कि पेशे से एक रैक पिकर है और उनके लिए जूते पहनना भी एक उनका ड्रीम है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो इस चैप्टर की ऑथर हैं, यानी कि अनीस जंग, वो साहिब से हर मॉर्निंग उनकी मुलाकात हो ही जाती है। साहिब जो कि एक रैक पिकर है, जो साहिब है वो कचरे में सोना ढूंढता रहता है। जो साहिब है वो ढाका से आया हुआ होता है, ढाका एक जगह है, वहां से आया हुआ होता है, और साहिब को अपना ओल्ड होम भी याद नहीं होता कि उसका पुराना वाला घर आखिर क्या था और कहां था। जो साहिब है वो स्कूल नहीं गया होता, क्योंकि उसके पड़ोस में, उसके नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं था। जो साहिब है उसका पूरा नाम होता है साहिब आलम। साहिब आलम साहिब का, जो कि एक रैक पिकर है, उसका पूरा नाम होता है साहिब आलम। नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन अपने नाम का मतलब साहिब को खुद भी नहीं पता था। जो साहिब है वो स्ट्रीट्स में, यानी गलियों में, आवाराओं की तरह, अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। वो उसके दोस्त और वो एक पूरी आर्मी थे बेयर फुट बॉयज की, यानी जो लड़के नंगे पैर हैं, वो उनकी एक पूरी सेना थे, यानी कि एक पूरी आर्मी थे, जो कि सभी गरीब थे, और जूते, यानी कि जूते या फिर चप्पल उनके लिए एक सपने की तरह था। वो इतने गरीब थे कि वो जूते और चप्पल कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो अदर यंग बॉयज थे, दूसरे जवान लड़के थे, वो शूज पहनते थे, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द रैक पिकर्स थे वो नंगे पैर रहते थे। यानी जो मोस्ट ऑफ द रैक पिकर्स थे, जो ज्यादातर कचरा उठाने वाले बच्चे थे, वो ज्यादातर बेयर फुट ही रहते थे, यानी कि उनके पैरों में ना ही कुछ चप्पल, ना ही कुछ जूते, कुछ भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ दीज रैक पिकर्स, ज्यादातर रैक पिकर्स इनमें से, सीमापुरी, जो कि दिल्ली में एक जगह है, दिल्ली के आउटर पार्ट में, दिल्ली के आउटर एज में एक जगह है सीमापुरी, ये लोग वहां से बिलोंग करते हैं। सीमापुरी में कोई भी ऐसा साइन नहीं है डेवलपमेंट का या फिर प्रोग्रेस का, ऐसा कोई भी साइन नहीं है। यानी कि सीमापुरी ना ही तो डेवलप्ड है और ना ही आगे प्रोग्रेस कर रही है। जो सीमापुरी के हाउसेज हैं वो मड़के, यानी कि मिट्टी के बने हुए हैं। जो उन हाउसेस की छत है, यानी कि रूफ है, वो टिन और टर्पोलिन इन सब के बनी हुई है। वहां पर उनके घरों में, सीमापुरी में, ना ही कोई सीवेज है, ना ही कोई नाली है, और ना ही बहता हुआ, यानी कि रनिंग, ना ही कोई रनिंग वाटर है। मोर देन 10,000 रैक पिकर्स, यानी कि 10,000 रैक पिकर्स से ज्यादा रैक पिकर्स वहां पर 30 सालों से रह रहे हैं, और वो सारे रैक पिकर्स वहां पे बांग्लादेश से आए थे 1971 के अंदर। उनके पास ना ही उनकी खुद की आइडेंटिटी है, ना ही खुद की पहचान है, और ना ही उनके पास परमिट है। हाँ, लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स हैं, जो कि उन्हें गेहूं और ऐसी राशन से संबंधित चीजें दिलाने में मदद करता है, और उन्हें वोट भी डालने में मदद करता है। उनके लिए जो खाना है, यानी कि उनके लिए जो फूड है, खाना, वो उनके लाइफस्टाइल, यानी कि उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान से भी ज्यादा जरूरी है। जो वुमेन है वहां की, जो औरतें हैं, वो वहां पे टैटर्ड साड़ीज में घूमती है, यानी कि जिन साड़ीज की बैड कंडीशन, जो थोड़ी बहुत फटी फुटी होती है, गंदी होती है, बेकार होती है, उन साड़ी को पहन के वो घूमती है। चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन वो होते गरीबी हैं, वो उन्हीं घरों में रहते हैं। रैक पिकिंग के अलावा उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता। जब चिल्ड्रन
जब छोटे छोटे बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी पार्टनर बन जाते हैं सर्वाइवल में, यानी कि सर्वाइवल की जंग में वो भी पार्टनर बन जाते हैं। सीमापुरी में रहना, सीमापुरी में रहने का केवल एक ही मतलब है और वो है रैपिकिंग। अगर आपको सीमापुरी में रहना है तो आपको रैपिकिंग करके ही अपना पेट भरना होगा, अपना गुजारा करना होगा। सालों से रैकपिकिंग सीमापुरी में आर्ट बन चुकी है रैकपिकर्स के लिए, यानी ये कला बन चुकी है उनको। मतलब रैकपिकिंग में घुसना ही होता है। जो गार्बेज है वो रैकपिकर्स के लिए सोने के समान है, क्योंकि जो गार्बेज चुनकर ही जो रैकपिकर्स हैं वो अपना गुजारा करते हैं। गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा ही उनकी डेली ब्रेड है, यानी कि उनकी रोजाना रोटी है। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि एक बच्चा एक सिल्वर कॉइन ढूंढ लेता है एक गार्बेज के हीप में से, यानी कि गंद के एक गट्ठर में से, और वहां पे एक हमेशा होप होती है और ज्यादा सिल्वर कॉइन्स को ढूंढने की। जो गार्बेज है वो सोने की तरह है चिल्ड्रन के लिए, गार्बेज टू देम इज अ गोल्ड, और एल्डर्स के लिए गार्बेज एक सर्वाइवल का मीन है, यानी कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको गार्बेज में घुसना ही पड़ेगा, आपको रैकपिकिंग करनी ही पड़ेगी। एक सुबह जो ऑथर है वो साहिब को देखती है कि वो क्लब के गेट पे खड़ा हुआ है। दो यंग मैन, दो जवान लड़के एक वाइट ड्रेस में ड्रेस्ड होते हैं और वो टेनिस खेल रहे होते हैं। जो साहिब होता है वो भी टेनिस शूज उसने भी पहन रखे होते हैं, लेकिन वो शूज नए शूज नहीं होते, वो शूज ऐसे शूज होते हैं जो कि एक अमीर खानदान का बच्चा पहनने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उस शूज में खाली एक होल हो जाता है, इसलिए वो अमीर खानदान का बच्चा मना कर देता है। लेकिन साहिब जैसे बंदे के लिए, साहिब जैसे रैक पिकर के लिए वो शूज भी किसी ड्रीम कम ट्रू से कम नहीं थे। अब जो साहिब है वो एक टी स्टॉल में काम करता है, यानी चाय बेचने वाली जो टपरी होती है उनपे साहिब काम करता है। साहिब को 800 रुपये मिलते हैं और खाना मिलता है, 800 रुपये प्लस खाना साहिब को वो टी स्टॉल वाले देते हैं। जो साहिब का मुंह है उससे केयर फ्री लुक हट गई है, यानी कि अब साहिब परेशान रहता है और उसके चेहरे पे जो केयर फ्री लुक होती थी ना वो अब हट चुकी है। जो साहिब है वो एक स्टील कनस्तर कैरी करता है, जो कि उसके प्लास्टिक बैग, यानी जब वो रैक पिकिंग करता था तो प्लास्टिक बैग कैरी करते हैं, उससे भी भारी लग रहा है वो स्टील कनस्तर। वो स्टील कनस्तर इतना भारी है, जो स्टील का कनस्तर है वो भी साहिब का नहीं है, वो स्टील का कनस्तर शॉप ओनर का है, यानी टी स्टॉल का जो ओनर है उसका है वो स्टील का कनस्तर। अब जो साहिब है वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा, पहले साहिब रैक पिकिंग करता था वो खुद का मास्टर था, बट नाउ साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी क्लास 12th की लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट वन, जिसके अंदर हमने साहिबे आलम के बारे में पढ़ा जो कि एक रैकपिकर है, और रैकपिकिंग ही सर्वाइवल का उनके लिए एक मीन है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।